प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा, गाजर, टमाटर, गोभी, मटर, सोयाबीन, पनीर, अदरक और लहसुन, आइए अब हम बनाते हैं। कुकर चलाइए, थोड़ा जीरा डालिए, जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन फ्राई करके अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च है, अब इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पिंक होने के बाद अदरक भी डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा पिंक कलर सा हो गया है। अब हम इसमें गाजर, गोभी, सोयाबीन इनको डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। इनको थोड़ा फ्राई करने से गोभी टूटती नहीं और गाजर का थोड़ा मीठापन कम हो जाता है, थोड़ा सोयाबीन फ्राई हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए इसको ऐसे फ्राई करेंगे। हल्का नमक डाल दें इसमें। सोयाबीन के अंदर नमक जाना चाहिए इसलिए हमने नमक डाल दिया है। बाकी सब्जी हम इसके बाद डालेंगे। हल्दी पाउडर, हम लाल मिर्च यूज नहीं करते हैं, अगर आपको लाल मिर्च डालना हो तो आप डाल सकते हो। अब इसमें हम बाकी सब्जी डालेंगे, टमाटर, मटर, पनीर, ये मैं इसमें सब्जी मसाला डालती हूँ।
MDH का आप भी डाल सकते हैं। MDH का मसाला, सब्जी मसाला कम डालें, ज़्यादा डालने से स्वाद थोड़ा ख़राब होता है, हल्का डालना है। इस तरीके से चलाइए थोड़ी देर। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक थोड़ा चिपकना बंद ना हो जाए, तेल छोड़ने लगे। इसको मैंने कुकर से ढक दिया, कुकर को बंद करके आधी सीटी लगाई है। अब ये सब्जी तैयार है। अब इसमें हमने धो के चावल भिगो के जो रखा था वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स करें। थोड़ी देर चला के हम इसमें पानी डालेंगे। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, अगर आपने एक गिलास बनाया है तो 1.5 गिलास पानी डालना है। अब कुकर बंद करके एक सीटी लगने देंगे और सीटी पूरी निकाल दें, भाप ना निकलने दें। सीटी को निकाल के चावल खोलें। ये देखिए हमारा बिरयानी तैयार, मिक्स वेज बिरयानी है, पुलाव।